कांग्रेस का भी आ चुका है। कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है और बीजेपी ने 20 गारंटी दी है। कौन सी पार्टी की आपको गारंटी पसंद है, किसके घोषणा पत्र को बेहतर मानते हैं? बीजेपी की तो हर गारंटी ही फेल हुई है। हरियाणा में मोदी ने चाहे करी हो, चाहे हरियाणा में इन्होंने इलेक्शन के तौर पर करी हो, इनकी हर झूठी गारंटी है। जनता के हित की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ कांग्रेस की जो 5 गारंटी है, ये हर वर्ग के लिए काम आने वाली गारंटी है। किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, औरतों के लिए भी, हर वर्ग के लिए भलाई का काम है। बीजेपी भी सिलेंडर दे रही है, लेकिन किसका बेहतर है? बेहतर कांग्रेस का जी। बीजेपी के तो 100 कर ले तब सारे झूठे। कांग्रेस का 5 मान्य है, 20 से बढ़ की 5 है। हर चीज में किसान वर्ग ले लो, युवा को ले लो, औरतों को ले लो, कोई भी चीज है, नहर को ले लो, पानी को ले लो, कांग्रेस ने जो वादा करा पूरा करा है। हमारे लिए जो कांग्रेस, ये तो बीजेपी तो आपस में भाईचारा बिगाड़ने की बात, हिंदू मुसलमान करने की बात, इसके अलावा कुछ नहीं। जुमलेबाजी है जी, काम करती है कांग्रेस, करके दिखाया जी। हमारे देखो पॉलिटिकल पलोल में चली गई, दूसरी बना दी JBT, दूसरी हमारी लेडीजों के लिए ले दी। हमारे 4 लाइन रोड था वह भी रोक दिया इसने, तो सिवाय वोट बटोरने के कुछ भी नहीं किया। आपस में हिंदू मुसलमान लड़ाता है, भाईचारे को बिगाड़ता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कोई भी वर्ग हो सबको बराबर लेके चलने वाली है। घोषणा पत्र पसंद है आप दोनों पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का घोषणा पत्र आ गया, क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसा है, घोषणा पत्र तो सभी पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन जो पार्टी उस पर खरा उतरे वो पार्टी ज़्यादा बेहतर होती है। और इसमें जो है बीजेपी 10 साल गवर्नमेंट चला के गई है, उन्होंने अपने जो भी वादे थे वो पूरे नहीं किए। और दूसरा ये है कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि भाईचारा बना के रखना। घोषणा पत्र ठीक है, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, अगर पूरा करेगी, 5 वादे किए हैं उन्होंने, उनको पूरा करे, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। 20 वादे 40 वादे ये नहीं है, जो पूरा करे वो वादे अच्छे लगते हैं। और यहाँ नेता जो है, अपने जो लीडर्स हैं, बहुत ईमानदार हैं, बढ़िया हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस की सरकार भी आ रही है, कांग्रेस का हमें समर्थन भी करें। तो घोषणा पत्र को बहुत सारे मतदाता सुनने के बाद, परखने के बाद वोट करते हैं। आपने दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र परखे होंगे, पढ़े होंगे, किसका घोषणा पत्र पसंद आया और क्यों? जी, कांग्रेस का इसलिए आया है, कांग्रेस जो भी घोषणा पत्र जारी करती है वो सच्चे होते हैं, और बीजेपी तो झूठे वादे करती है, सबको पता है। वादे तो अब कुछ भी कर ले, लेकिन जो सच्चे करेगी उसके लिए वोट मिलेगी। जी, हमें कांग्रेस पसंद है, वो सच्चे वादे करती है। तो कौन से वादे पसंद है कांग्रेस के? 5 गारंटी उन्होंने दिए। जी, पहला तो ये पिल्सिन 6,000 हो जाएगी बुजुर्गों की, बहुत अच्छी बात है, बुजुर्गों के लिए 6,000 पिल्सिन होगी। तो और दूसरा ये है कि सिलेंडर 500 में होगा, और जैसे कि महिलाओं के लिए 2,000 रुपये, ये हमें अच्छे लगते हैं उसके। मतलब वो जो भी वादे करती है सच्चे करती है, तो झूठे तो बीजेपी ने पहले भी बहुत किए थे और अब भी कर रही है, पूरे तो करती नहीं है। युवाओं की उम्मीदों पर कौन सी पार्टी खरा उतरती है? युवाओं की उम्मीदों पर कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल खरा उतरेगी, हमें उम्मीद है हुड्डा साहब से। भाजपा कहती है कि बिना पर्ची और बिना पर्ची, बिना सिफारिश के हमने नौकरी दी, फिर भी आपको भाजपा क्यों पसंद है? जी, भाजपा कहती तो है, लेकिन हमें एक बंदा बता दे, ये लग गया जी, हम तो मान लेंगे जी, बिल्कुल सच्ची है पर्ची भी क्या? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर्ची वर्ची कांग्रेस में भी नहीं चलती है। वो नौकरी भी देती है, रोजगार, हर चीज देती है कांग्रेस पार्टी, और सच्चे वादे करती है। और बीजेपी जो है ये झूठे वादे करती है, नहीं इसने कोई नौकरी दी है, नहीं ये, मतलब ये कहते हैं हम पैसे नहीं लेते। अरे बहुत पैसे ले रहे हैं, 5-6 जाके देखो, अफसरों को जाके देखो, सब पैसे खाते हैं। ये सब कहने की बात है जी, सच हकीकत में कुछ नहीं है। ये मैनिफेस्टो आए हैं, घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, चुनाव के समय सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, किसका घोषणा पसंद है घोषणा पत्र, और कौन सी पार्टी अपने घोषणा पत्र को पूरा करती है? जी, हमें कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र अच्छा लगा और वो पूरा भी करेगी इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है। मतलब हमारे, पहली बात तो बुढ़ापा जो पेंशन है वो 6,000 हो जाएगी, सबसे अच्छी बात है जो, ठीक है। और सिलेंडर हमको 500 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और बहुत से वादे किए हैं उनने, और हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र जारी किया वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। कांग्रेस तो सिर्फ 5 गारंटी दे रही है, बीजेपी 20 दे रही है, और वो बीजेपी भी 500 में बीजेपी 20 दे रही है, वो चाहे 40 दे दे, वो पूरी भी नहीं करती है उस, इसलिए हमें उससे उम्मीद नहीं, वो करती भी नहीं है पूरी अपने वादों को, खोखले वादे हैं उसके। कांग्रेस पार्टी 5 दे, वो 5 को क्लियर पूरा कर देगी, पूरी उम्मीद है हमको। जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है और बीजेपी ने 20 गारंटी दी है, किसका घोषणा पत्र आपको पसंद है, क्या कहेंगे?
जी कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी अच्छी है जी, और रोजगार भी देगी, ठीक है, महिलाओं को 6,000 रुपये पर मंथ देगी और बेरोजगारों को रोजगार देगी। और जैसे हमारे यहाँ मेवात इलाका है तो जी इसमें एक पढ़ने लिखने की बहुत बड़ी समस्या है, ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई कॉलेज है, यहाँ ये मेडिकल अस्पताल है नलड़ में, इसमें डॉक्टर वॉक्टर कुछ भी नहीं है जी। सही बात तो ये जब से भाजपा सरकार आई है 10 साल से इसकी बुरी हालत कर रखी है।